लाइट कैमरा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों के दुश्मनों के दोस्तों के दुश्मनों के दोस्तों दोस्तों दोस्तों, मेरे चाचा के साड़ू के किराएदार के काठमांडू वाले दोस्तों, मेरे सोने वाले फूफा के ठेके पे काम करने वाले मैनेजर के दोस्तों, जो फ्री में शराब ले जाते हैं वो वाले दोस्तों, भाई तू अभी पेटीएम कर दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा कहकर कभी ना चुकाने वाले दोस्तों, रेस्टोरेंट का बिल देखते के साथ ही अपना फोन उठा के दरवाजे से रॉकेट की स्पीड में निकल जाने वाले दुश्मनों का लिबास पहनकर बैठे दोस्तों, दोस्तों के दोस्तों दुश्मनों के दोस्त, भाई मजा आया। तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत ज्यादा अवार्ड्स देखे होंगे, बॉलीवुड के एशियन पेंट अवार्ड, रॉकफोर्ड अवार्ड, रजनीगंधा पान मसाला अवार्ड, कजारिया टाइल्स अवार्ड, लक्स साबुन अवार्ड, रिन टिकिया अवार्ड, हल्दीराम भुजिया अवार्ड, ये लसन अवार्ड, वो अवार्ड अवार्ड अवार्ड, फिल्म फेयर, आईफा भाईफा ढाईफा, लखानी चप्पल, कैंपस शूज, दुनिया झां के अवार्ड है भाई साहब। जब इतने सारे अवार्ड है तो मैं चाहता हूं कि एक अवार्ड बॉलीवुड और रखे, वो हो दोगलापन अवार्ड। और इस अवार्ड के सारे जितने भी अवार्ड हैं इसमें सब के सब बिना नॉमिनेशन के अच्छे तुम्हार को दे दिए जाएं, क्यों? तो रुको, जरा सबर करो। बोला धक्का मुक्की ने। में क्यों देखिए, हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। वो है वो प्रोटीन शेक्स, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। भाई साहब को सबसे पहले प्रोटीन से दिक्कत थी, जैसे ही पैसा आया तुरंत अंटी किया, अब देख लो। हाँ, हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। फ्लेक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस बनाओ प्रोटीन। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ये साला हॉर्लिक्स मूंगफली के चूरन में चॉकलेट पाउडर और चीनी मिला के बेचने वाला ये भाई साहब इसे प्रोटीन पीने को बता रहे। पैसा आ गया ना आंटी, कर लिया पैसा, अभी तो सिर्फ बात प्रोटीन तक थी। अब देखो टीम को बताओ, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है, स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। अनगिनत सुनने वाला, अनगिनत मतलब ब्लैंक चेक, वो पैसा भी मैं नहीं लूंगा। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम देश के लिए। लेकिन देखो, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विमल इलायची के नाम पे गुटखा बेचते हुए कौन हड हराम विमल इलायची खरीद रहा है जाके? चाय बनाने तुम विमल इलायची डाल के बनाते हो? ये साली सरासर गुटके की एड है, इससे बड़ा दोगला आदमी कोई भी नहीं है। तेरा दोगला पन्ना उतारता हूँ। ये कैनेडियन कुमार है, इन्होंने साबित कर रखा है बॉलीवुड वालों ने, और सबसे ज्यादा तो इस अक्षय कुमार ने साबित कर रखा है। ये कल को अगर इसे एड मिल जाए ना कि कजारिया टाइल्स पे थूक के चाटने से अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, तो ये वो भी कर लेगा और बोल देगा देश की मिट्टी से बनी टाइल्स है भाई साहब, थूक के चाट लो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो अपना। ये सब के सब इन्होंने साबित कर दिया है, ये है भांड। और ऐसे भांड जो अंबानी जी के घर की शादी में जाते हैं तो रुपए पैसे लेके कोई चपाती सर्व कर रहा है, कोई गुलाब जामुन दे रहा है, कोई पान की टपरी पे बैठा हुआ है वहां पे गुलगंध भर रहा है। ये ऐसे भांड है भाई साहब, पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? कुछ भी, भले निक्कर खोल के खड़े हो जाए, ये ऐसे भांड है, ये कसम से बता रही हो। तुम खामखा इनके फैन बने डोलते रहते हो यार, इसकी पिक्चर आ गई, उसकी पिक्चर आ गई, अभी रिसेंटली इसकी राम से तो पिक्चर आई थी, इतना बेहतरीन टॉपिक था वो, लेकिन फ्लॉप। आदमी अपने कर्मों से ही मरे जा रहा है, फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान बचाना इस आदि पुरुष को जो उमरा उतने बनाइए यार, भाई ऐसा हाल ना हो जाए इसका भी। देखो लोग तो थोड़े से तो भड़के हुए हैं ट्रेलर देख के,
ट्रेलर में इतना ज्यादा VFX का इस्तेमाल किया गया है, लोग तो ज्यादा मुझे देखा, मैंने लोगों से पूछा, लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आया। सैफ अली खान का जो वो अफगानी लुक है वो भी पसंद नहीं आया। फिर एक और कंट्रोवर्सी हो गई है कृति सेनन की, किस को लेके कंट्रोवर्सी हो गई, जो उमरा उतने बालाजी के मंदिर के बाहर उनको किस कर दिया, जिसके ऊपर दीपिका चिकालिया जी, जो पुरानी रामानंद सागर जी की रामायण थी उसके अंदर जिन्होंने सीता माता का रोल किया था, उनको काफी दुख लगा। उन्होंने कहा कि यार इन लोगों को सिर्फ एक्टिंग करने से मतलब है, कैरेक्टर से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो सादगी अरुण गोविल जी के चरित्र में आप लोगों ने देखी, जिन्होंने श्री राम का अभिनय किया था, और जो दारा सिंह जी ने जो हनुमान जी का इतना मेन कैरेक्टर किया था, इन्होंने पूरा का पूरा VFX में हनुमान जी का कैरेक्टर डाल दिया। यार लगी नहीं था वो, भाई साहब कहीं से हनुमान जी है। दारा सिंह जी का कैरेक्टर आप भुलाए नहीं भूल सकते हो, ऐसा लोगों का कहना है। जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने मुझे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बताया। अगर आप लोगों को भी कोई आपत्ति लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इतने अच्छे टॉपिक पे अक्षय कुमार की मूवी का जो हाल हुआ, कहीं इसका ऐसा ना हो जाए हाल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों के दिल को छू जाने वाला टॉपिक है रामायण के ऊपर। यार बच्चा बच्चा रामायण जानता है आज की डेट में, और हम सब तो वो 90s वाली जनरेशन के लोग हैं, हमने तो रामानंद सागर जी की रामायण देखी है बहुत ही सटीक, कोई आज तक उसको टच नहीं कर पाया है। तो देखेंगे भाई 16 जून को इस पिक्चर का क्या हाल होता है, हिट होती है फ्लॉप होती है वो तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं टॉपिक निकला है, मैं बात कर रहा था अक्षय कुमार की। भाई बहुत सारे दोगले इंसान है बॉलीवुड के अंदर, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई भी, चाहे शाहरुख का नाम ले लो, सलमान का नाम ले लो, अजय देवगन तो सबसे, अजय देवगन सेकंड नंबर पे भाई, उसकी तो शक्ल ही है। ने कभी कहा भी नहीं कि मैं गुटखा नहीं बेचूंगा, मैं शराब नहीं बेचूंगा। क्रिकेटर्स भी ऐसे ही हैं, सारे के सारे लोगों को सट्टा खेलना सिखा रहे हैं, जुआ खेलना सिखा रहे हैं, ड्रीम इलेवन पे अपने घर में आराम से बैठे हुए दुनिया को सट्टे की लत लगा रहे हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए पूरा सट्टा बाजार का वीडियो लेकर आऊंगा, कितने करोड़ का टर्नओवर और कितने लोगों की सट्टे की लत की वजह से जान गई है, कितने ज्यादा इससे नुकसान हो चुके हैं। फिलहाल इस इंसान को जो सबसे ज्यादा दोगला इंसान है पूरे बॉलीवुड का, अगर आप अभी भी इस इंसान के अपने आप को फैन बोलते हो तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यार इतना हो जाने के बाद भी जिस इंसान को आप की रत्ती भर भी नहीं पड़ी है, पहले प्रोटीन खराब बता रहे हो, जब इनको प्रोटीन की नॉलेज ही नहीं थी, इतने गवार इंसान है। आप किसी अच्छी कंपनी की प्रोटीन उठा के देखो, जिम जाने वाले किसी अच्छे बंदे से पूछ के देखो कि प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है, विद्यु जम्वाल से पूछो, जिनकी अच्छी बॉडी है आप जॉन अब्राहम से पूछ के देखो, चलो वो छोड़ दो उसको भी मत पूछो, विद्यु जम्वाल का कभी सुन लेना, कभी उनसे पूछो, या कोई फेमस बॉडी बिल्डर है उनसे प्रोटीन की अहमियत पूछो। इनको पैसे मिले तो इन्होंने प्रोटीन को भला कह दिया, बाद में साले गुटखा तक बेचने पे आ गए, फिर बाद में पब्लिक के सामने आके माफी मांग लेंगे, जी हमसे गलती होगी, लेकिन वो एड अभी भी चल रही है लगातार तुम्हारे माफी मांगने से, घंटा फर्क पड़ रहा है पब्लिक को, एड धड़ाधड़ चल रही है। तो भैया इनको तो अगर आप बॉयकॉट करते हो ना तो बहुत बढ़िया करते हो, मेरे दोस्तों के दुश्मनों के दोस्तों, यही साले वो दुश्मन है तुम्हारे जीते जागते, जो दोस्तों का लिबास पहनकर आए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, तो ये साले दुश्मनों की शक्ल वाले लोग हैं, इनको बॉयकॉट करो, बहुत बढ़िया है भाई साहब। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में मेरे दुश्मनों के दोस्तों के दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय।